प्रकृति को हरा भरा बनाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब सभी प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोदी रोड सोनी गोडाउन के पास, खंडवा। कंस्ट्रक्शन का प्रोपराइटर हूँ, नगर परिषद में सिविल के काम करता हूँ। तो शासन द्वारा मुझे निर्माणाकार प्राप्त होते हैं, जिसमें मैं नगर में आरसीसी रोड, आरसीसी नाली, टीन शेड के निर्माण का कार्य करता हूँ। जिसमें मेरे अभी कुछ निर्माण कार्य हैं, जैसे कि अपने सरस्वती कुंड में पेरू ब्लॉक का काम किया था मैंने, वार्ड क्रमांक 6 में इमाम बाड़ा टीन शेड का कार्य किया था। मेरे सारे काम गुणवत्तापूर्ण थे, इंजीनियर द्वारा वेरीफाइड थे और चेक करे हुए थे, सारे काम अच्छे थे। उसके बावजूद नगर परिषद से सहायक ग्रेड 3 अमित नामदेव और CMO मिलन पटेल द्वारा मेरे से रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत ना दिए जाने पर मेरा फाइनल बिल जो इंदौर सेंक्शन होने जाना था, वो फाइल उन्होंने एक महीने से रोक के रखे थे और वो फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे थे। उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से मुझे बैठा कर बोला था कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। तो मेरे द्वारा अभी कुछ समय पहले हताश होकर लोकायुक्त का सहारा लेना पड़ा, और लोकायुक्त का सहारा लेके फिर उनसे मैं दोबारा उनसे बात करने के, तो उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि आपके 10,000 रुपये परसेंटेज का जो बन रहा था उतना 5,000 रुपये मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम आगे बढ़ा दूंगा और फाइनल खत्म होने के बाद मुझे आप 5,000 रुपये और देंगे। अच्छा, दो फाइनल होकर नहीं पाया करता, अभी फाइनल नहीं हो पाया। फाइनल फाइल देखिए, इंदौर पहुँचाने से CMO सामने साफ मना कर दिया है, इंजीनियर साहब को काम करने से साफ मना कर दिया है। मेरा नाम राहुल बोरासी और बोरासी कंस्ट्रक्शन का प्रोपराइटर। थैंक यू वेरी मच सर। क्या है पूरा मामला? ये लोकायुक्त इंदौर की टीम ने जो नगर परिषद नया हरसूद है, यहाँ के CMO के ऊपर ट्रैप की कार्रवाई हुई है। नगर परिषद हरसूद के CMO हैं मिलन पटेल, इनके द्वारा बोरासी कंस्ट्रक्शंस के मालिक हैं राहुल बोरासी, इनसे इनके कुछ काम कराए थे इन्होंने वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 में लगभग 4 लाख के, तो उसके एवज में 2.5% के हिसाब से लगभग 10,000 रुपये की रिश्वत मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में आकर की गई थी। शिकायत का पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सत्यापन कराया गया था, जिसमें 10,000 रुपये की रिश्वत मांगा जाना इस तरह से कि 5,000 रुपये की राशि ये पहले बिल पास होने के पहले अपने बाबू को, जो CMO का बाबू है अमित नामदेव, उसको देंगे और शेष राशि बिल पास होते ही जो है भुगतान करेंगे। इस पर आज ट्रैप दल का गठन किया गया और अभी जो है इनके कंप्यूटर ऑपरेटर को 5,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया गया है नगर परिषद कार्यालय में, उनके ऑफिस में। और जो अमित नामदेव था उसने फ़ोन पे फरियादी को बोला कि आप जो ये राशि है वो कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दें, इस हिसाब से जो है कंप्यूटर ऑपरेटर भी इसमें आरोपी बना है। अभी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत हम इन तीनों पे अभी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, इस कार्रवाई तब तक कार्रवाई चलेगी, पद पर बने रहेंगे क्या ये अधिकारी लोग? जनरली जो ट्रैप होते हैं व्यक्ति, तो उनको जो है ट्रैप की कार्रवाई के बाद उस पद से हटा दिया जाता है, दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है, और इस बाबत हमारे कार्यालय से पत्राचार भी किया जाता है उन्हें हटाने के लिए। सर आपका पूरा परिचय? मैं DSP प्रवीण सिंह बघेल, लोकायुक्त इंदौर से। सर अमित नामदेव को पकड़ने के लिए कुछ वो कार्रवाई सब पे हुई, जांच दल पकड़ने की जरूरत नहीं, वो तो कार्रवाई चल रही है, अभी विवेचना में सारे लोग आरोपी बनेंगे। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोदी रोड सोनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर इंदौर रोड खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।